गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज सेकंड ए एंड सेकंड बी. नाउ टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज सेकंड सी. इन सेकंड सी एक्सरसाइज वी विल डिस्कस ओनली वन टॉपिक, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स. स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल किसी भी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखने के लिए हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट का समझना जरूरी है. इसके लिए मैंने क्या किया है, एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया हुआ है जिसमें मैंने तीन पीरियड शो किए हुए हैं. फर्स्ट पीरियड इज वंस पीरियड, सेकंड पीरियड इज थाउजेंड पीरियड, थर्ड पीरियड इज मिलियन पीरियड एंड नेक्स्ट इज बिलियन पीरियड. आपके फिफ्थ के सिलेबस में स्टूडेंट्स ओनली मिलियंस पीरियड तक दिया हुआ है, इसलिए हम मिलियंस पीरियड तक ही डिस्कस करेंगे. इन इंटरनेशनल सिस्टम एवरी पीरियड हैव थ्री थ्री प्लेसेस. वंस पीरियड हैव थ्री प्लेसेस, वंस, टेंस एंड हंड्रेड. एंड थाउजेंड पीरियड हैव थ्री प्लेसेस, थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड हंड्रेड थाउजेंड. मिलियंस पीरियड हैव थ्री प्लेसेस, मिलियन, टेन मिलियन एंड हंड्रेड मिलियन. आई होप यू वेल अंडरस्टैंड. लेट वी बी स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन. री राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स यूजिंग पीरियड एंड प्लेसेस इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एंड ऑल्सो राइट द नंबर नेम. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें एक न्यूमरल दिया हुआ है, उस न्यूमरल को हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग पीरियड्स में और प्लेसेस में राइट करना है और उसका नंबर नेम्स राइट करना है. तो सबसे पहले हम नंबर को राइट करेंगे 183 497 026 एंड वी पुट द प्लेसेस एंड वी राइट द प्लेसेस वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन एंड हंड्रेड मिलियन एंड वी पुट द कोमास आफ्टर थ्री डिजिट फ्रॉम राइट साइड एंड वी विल राइट द पीरियड्स ऑन अपर साइड, वंस पीरियड, थाउजेंड पीरियड एंड मिलियन पीरियड. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जो हमें न्यूमरल दिया हुआ है इसका हमें नंबर नेम राइट करना है. जब भी हम किसी न्यूमरल का नंबर नेम राइट करते हैं तो हम सबसे पहले अपने फर्स्ट पीरियड को देखते हैं और फर्स्ट पीरियड में जितनी भी डिजिट वाला नंबर हमारे पास होता है उन सभी डिजिट को हम इकट्ठा रीड करते हैं और जैसे ही जैसा हम रीड करते हैं वैसा ही हम राइट करते हैं. जैसे हमने इसको रीड किया 183 फ्रॉम विच पीरियड, मिलियन पीरियड. अब हम पीरियड राइट करेंगे तो हमारा क्या बना 183 मिलियन, 400 497 1026 बिकॉज 100 प्लेसेस जीरो. नाउ आवर बी पार्ट, वी राइट द नंबर एंड वी राइट द प्लेसेस वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन एंड टेन मिलियन एंड वी पुट द कोमास आफ्टर थ्री डिजिट फ्रॉम राइट साइड एंड वी विल राइट द पीरियड ऑन अपर साइड, वंस पीरियड, थाउजेंड पीरियड एंड मिलियन पीरियड. इसमें भी स्टूडेंट्स ऐसे ही करना है, हमें मिलियन पीरियड को देखना है कि कितने डिजिट का नंबर हमारे पास है और जैसे ही हम इसे रीड करते हैं इकट्ठा वैसे ही हमें राइट करना है. 37 फ्रॉम विच पीरियड, मिलियन, विल राइट मिलियन, 37 मिलियन, 400 425 425 thousand 700 80
89. We have complete our question. Let we will start our second question. Write the following in standard form in the international system. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हमें वर्ड फॉर्म में गिवन है और इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि हमें प्लेसेस अपने राइट करने हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम. अब हमें प्लेसेस राइट करने हैं तो हम प्लेसेस कहाँ तक राइट करेंगे. सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना है, अपना फर्स्ट पीरियड देखना है. फर्स्ट पीरियड में हमें देखना है कि ये जो नंबर्स हैं वो कितने डिजिट का है. अब 85 जो नंबर है वो टू डिजिट का नंबर है 85. तो हम क्या करेंगे, हम अपने प्लेसेस वंस प्लेस से लेके और 10 मिलियन तक के प्लेसेस हम राइट करेंगे. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन. एंड वी फिल द नंबर्स 85 मिलियन, 405 एंड 900, बिकॉज 9 इन द 100 प्लेस. नाउ आवर बी पार्ट, वी विल राइट द प्लेसेस. लेकिन प्लेसेस हमें कहाँ तक राइट करने हैं, हम अपने मिलियन पीरियड को देखेंगे. मिलियन पीरियड में हमारे पास जो नंबर है वो कितने डिजिट का नंबर है, 590. अगर 590 हम देखें तो थ्री डिजिट नंबर हमारे पास है 590. अब हम प्लेसेस राइट करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और स्टूडेंट्स 100 मिलियन. अब हम फिल करेंगे इन प्लेसेस पे अपने नंबर्स 590 एंड 349,000. 1,000 पीरियड हमारे पास ये तीन प्लेसेस है, 349,600. अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जहाँ पे टेंस प्लेस हमने राइट किया हुआ है, अगर यहाँ पे अगर हम 4 राइट करते हैं तो वंस प्लेस पर हमें 0 राइट करना पड़ेगा और हम इसे कैसे रीड करेंगे, 640. लेकिन हमें गिवन क्या है, 604. इसलिए हम क्या करेंगे, वंस प्लेस को 4 करेंगे और टेंस प्लेस को क्या करेंगे, 0. तब हम इसे रीड करेंगे 604. थैंक यू स्टूडेंट्स.